एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 बजे चौथी मंजिल से गिरने से एक छात्र घायल हो गई। परिजनों ने देरी ना करते हुए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरापुरम की एटीएस सोसाइटी के बाहर। मिली जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि एटीएस टावर संख्या 1 से और चौथे फ्लोर से एक लड़की फिजा गिरी थी, जिसे गंभीर चोट आई है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिजा के परिजन उसके साथ अभी अस्पताल में हैं, इसीलिए हमारी परिजनों से अभी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार फिजा 4th फ्लोर से नीचे गिरी थी। कैसे गिरी, क्या हुआ, ये सारी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि फिजा और उनके परिजन अस्पताल में हैं। हम यही आशा करते हैं कि फिजा जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर आएं। पुलिस के अनुसार एटीएस एडवांटेज के टावर संख्या 1 के चौथी मंजिल पर संजीव पुनिया परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी फिजा न्यूयॉर्क में पढ़ाई करती है। वह कोरोना के कारण इन दिनों यहां आई हुई थी। बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 बजे वह फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिजा का उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि छात्रा का उपचार चल रहा है, कोई शिकायत नहीं मिली है। 3.5 फीट ऊंची चार दीवारी सोसाइटी के फ्लैटों की बालकनी 4 दीवारी करीब 3.5 फीट ऊंची है। नियमानुसार बालकनी कवर नहीं की जा सकती। घटना के बाद से सोसाइटी में छात्रा के गिरने या कूदने को लेकर लोग अटकलें लगाने लगे हैं। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।